गाइस वेलकम टू फूड फन एंड फैक्ट्स विद वर्षा इन हिंदी। आज हम बनाने जा रहे हैं सिंपल सा आटे का हलवा, जो कि आपने कभी आप अगर गुरुद्वारे गए हो तो खाया होगा। उसे कड़ा प्रसाद भी कहते हैं। इतना सिंपल है, उसमें कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है, फिर भी टेस्ट बहुत ही यमी होता है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ मैंने आधा कटोरी घी लिया है, ये मैंने घर पर बनाया है इसलिए ये थोड़ा ऐसा अभी फ्रेश ही बनाया है। इसके अलावा मैंने यहाँ आधी कटोरी शक्कर ली है और आधी कटोरी ही मैंने आटा लिया है। आटा कोशिश करें तो चक्की का मोटा आटा लेने की कोशिश करें, अगर आपके पास नॉर्मल आटा है तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस हलवे को बनाने के लिए, या कड़ा प्रसाद जिसे कहते हैं, वो बनाने के लिए मैंने एक बड़ा सा पैन लिया है नॉन स्टिक, और इसमें मैं ये पूरा घी डाल देती हूँ। घी गरम है। इस हलवे को हम मीडियम टू लो आंच पर ही बनाएंगे क्योंकि आटा बहुत जल्दी जलने लगता है। तो अब ये घी हमारा गरम है, इस टाइम पे मैंने ये आटा डाल दिया है और अब हम आटे को चलाते हुए नॉन स्टॉप इसे भूनेंगे इस घी में। देखिए ये आटा अब भून के रेडी हो गया है। ये कलर ऐसा चॉकलेटी ब्राउन हमें चाहिए। इस टाइम पे मैं ये शक्कर डाल दूंगी इसमें और फिर शक्कर भी पिघलने लगेगी। शक्कर को भी हिलाते हैं, जब वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी उस टाइम पे हम यही कटोरी जैसा, वही सेम मेज़र, हमने एक कटोरी आटा लिया था, एक कटोरी शक्कर, एक कटोरी घी और दो कटोरी पानी लेंगे। तो ये देखिए शक्कर अब भुनने लगी है। हमें शक्कर को ज़्यादा देर नहीं पकाना है, अदरवाइज वो पक्के अंदर चाशनी जैसी हो जाएगी, वो हमें नहीं करना है। अब हम इमिडिएटली इसमें पानी डाल देंगे और फिर इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये हलवा घी न छोड़ दे। और सब इसे चलाते चलाते हमें फिर से पकाना है। शक्कर भी घुलती जानी चाहिए और आटा भी पकते जाना चाहिए, और ये तब तक पकाएंगे जब तक ये घी छोड़ दे, जैसा कि हमने गुरुद्वारे में देखा ही होगा आपने। दिख रहा है ना, देखिए अब ये कैसे घी छोड़ने लगा है साइडों से। ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है, दाना दाना एकदम अच्छा, एकदम परफेक्ट यही है, और कलर भी एकदम परफेक्ट है। तो मुझे जब मैंने सूखा आटा भूना था, मुझे 10 मिनट मीडियम टू लो आंच पे मैंने 10 मिनट तक भूना था, और जब पानी डाला उसके बाद फिर मुझे करीब 5 मिनट लगे इसे पकाने में, तब तक ये घी ने निकल गया। तो अब ये बन के रेडी है, इसे सर्व करते हैं गरम गरम। आटे का हलवा या कड़ा प्रसाद बन के रेडी है। देखिए जैसा मैंने कहा था एकदम अच्छा टेक्सचर आया है, और इसी तरीके से आप बनाएं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को खिलाएं। बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छा है, हेल्दी भी है और आसानी से भी बन जाता है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपको मिलती हूँ अगले एपिसोड में। बाय बाय।